हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलएनटी में लोन कैसे प्रोसेस करना है। लिंक जो दिया है लॉगिन करेंगे, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी एंटर करना है, उसके बाद कंफर्म करना है तो आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड ओपन होने के बाद यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको वो ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे होम पेज पे आपको एलएनटी फाइनेंस का दिखेगा, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन। ऐड लीड पे क्लिक करके आपको लीड ऐड करना है, जैसे लोन अमाउंट 7 लाख तक का है तो आपको जो ज़रूरत है वो टाइप करना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखना है, ठीक है, जो आईडी प्रूफ में है वही हिसाब से टाइप करें। उसके बाद आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, जेंडर सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर 10 डिजिट का मोबाइल नंबर लिखना है, जो आधार कार्ड में लिंक है वो नंबर लिखे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि अगर अप्रूवल आता है तो आपको आधार लिंक से ओटीपी करना पड़ेगा। यहाँ पे एरिया पिन कोड टाइप करना है, जहाँ पे रेसिडेंस है उसका, वो जो एड्रेस प्रूफ में इलेक्शन कार्ड, पासपोर्ट, ये जो लाइट बिल है वो। उसके बाद यहाँ पे पैन नंबर लिखना है, जो भी डिटेल्स भरे वो एक ही बार फिल करना पड़ेगा, अगर कोई भी गलती किया तो दूसरी बार फिल करेंगे तो रिजेक्ट होगा, तो ध्यान में रखें कि जो भी डिटेल भरे वो सही भरे। ईमेल आईडी लिखना है, क्योंकि जो भी सेंक्शन लेटर अप्रूवल जो भी आएगा वो मेल पर आएगा डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है, कैलेंडर से डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करके आपको सेंड लिंक पर क्लिक करना है। अगर आपका क्राइटेरिया के हिसाब से अप्रूवल है तो कैश आगे बढ़ेगा, और नहीं है एलिजिबिलिटी तो आपको कैश यहाँ पे रिजेक्ट दिखेगा। एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो 2 से ज़्यादा लोन नहीं होना चाहिए, एरिया पिन कोड लिस्टेड में होना चाहिए और ज़्यादा इंक्वायरी नहीं होना चाहिए, तो आपका अप्रूवल आने का चांस ज़्यादा है। यहाँ पर आपको एक एक मिनट 1.5 मिनट ले सकता है बफरिंग में, यहाँ से आपको पूरा मालूम पड़ जाएगा कि रिजेक्ट है या पास है। यहाँ पर कस्टमर को ओटीपी लेना नहीं पड़ेगा, बाकी दूसरा प्लेटफॉर्म पे आपको ओटीपी लेना पड़ता है। अगर अप्रूव कैसे है तो कस्टमर के मोबाइल पे एसएमएस लिंक जाएगी, लीड एडेड कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस वाया एसएमएस और व्हाट्सएप। तो देखो यहाँ पे लिस्ट एड्रेस में लीड रिजेक्ट दिखा है, मतलब ये केस रिजेक्ट हुआ है। अगर अप्रूव होगा तो यहाँ पर कंटिन्यू लिखाएगा। तो ऐसे प्रोसेस करना है आपको, पूरा प्रोसेस डिजिटल जर्नी।